Hey guys, what's up? I'm Tokreditz and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? I hope आप सब बढ़िया होंगे. So guys, आज की इस वीडियो हमारी काफी awesome होने जा रही है. मतलब awesome का मतलब काफी bomb होने जा रही है. क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करेंगे फोटो एडिटिंग. जैसे कि आप सब बताइए गाइस, हम ज्यादातर पोर्ट्रेट एडिटिंग करते हैं. जो पोर्ट्रेट आप जानते हो, जो कि 4x5 का साइज होता है, जो कि इंस्टाग्राम का साइज होता है, वो एडिटिंग करते हैं. सो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा मतलब अपने जो अपने थंबनेल होता नहीं है हमारे यूट्यूब का, पूरा थंबनेल के साइज की फोटो एडिटिंग करूँ. एंड इसका जो कंसेप्ट है गाइस, मैंने कल रात में सोचा था. काफी मतलब सोते सोते मैं दिमाग में आ जाता है आइडिया. जब आप सोने जा रहे होते हैं, जब भी आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आते हैं. सो मैंने सोचा था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से एडिटिंग करी एंड मैंने अब इसकी वीडियो बना रहा हूँ. सो इसके अंदर जो भी मैं बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एंड गाइस, आप सब पूछ रहे थे कि थोड़ी वीडियो लेट क्यों आ रही है. सो गाइस, वीडियो इसलिए लेट आ रही है बिकॉज मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ काफी दिनों से. थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, जुकाम खांसी चल रही है, तो इसके वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो रही है. सो दिक्कत की बात नहीं है, बस अब ठीक हो ही गया तुम्हारा भाई. तो वीडियो अब आएगी जैसे पहला इतना बम बम वीडियो, और जल्दी जल्दी वैसी वीडियो आएगी. एंड गाइस, अभी तक हम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. मेरा यूजर नेम है Tokreditz_edit, जाओ फॉलो करो. अरे बाल को नीचे आ रहे, तो जाओ जल्दी जल्दी फॉलो करो. एंड गाइस, एक चीज और, आप सब बोल रहे थे Tokreditz भाई आप कॉमेडी नहीं कर रहे वीडियो में जैसे पहले करते थे. सो गाइस, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों नहीं कर रहा था. सो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी वाली वीडियो देख लेना एंड इसके बाद वाली वीडियो देख लेना, फुल कॉमेडी होगी जैसे, ठीक है. सो अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ. सो गाइस, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमको एक किस तरह के पोज में फोटो क्लिक करना है, ठीक है. जिसमें आपको अपने दिमाग में ये फील लेना आप उसी एडिटिंग की तरह पोज मार रहे हो, मतलब आप वो इंस्टाग्राम का जो है ना वो डब्बा उसे पकड़ के खींच रहे हो. सो इस तरह के पोज में फोटो क्लिक कराओ, ठीक है. देन क्या करना है आपको, उसका बैकग्राउंड इरेज करना है. आप सबको बैकग्राउंड इरेज करना आता ही होगा, नहीं आता तो फ्री क्या नाम है टूल्स में जाना, फ्री क्रॉप में जाना, देन इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लेना, ठीक है. सो इसका मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज कर रखा है, ठीक है. सो सिंपली मैं क्या करूँगा, डोटल पे जाऊंगा, इसको सेव कर लूंगा. सो गाइस, मैं पहले से बता रहा हूँ, मैंने ये पहले से सेव कर रखा है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड इरेज करा हुआ. सो हमको क्या करना है गाइस, हमको ये बैकग्राउंड लेना है, ठीक है. इस बैकग्राउंड के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. फुल सिटी बैकग्राउंड है, ये देखिए दीवार टूट रही है, मुझे पता चल गया यहाँ से. सो अब मेरे को क्या करना है गाइस, ये मैंने पहले से इसमें शैडो वैडो बना रखे, ताकि आप सबको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े एंड समझ रहे हो ना, ज़्यादा पीएनजी यूज़ भी नहीं करने पड़े, आप सिंपली कर सको. सो ऐड फोटो पे जाऊंगा, जो हमने फोटो इरेज करी थी उसको भी ऐड नहीं करना, ठीक है. जैसे हम हमेशा ऐड करते हैं अपने इरेज करी फोटो, तो इस बार हमको ऐड नहीं करना. तो इस बार हमको क्या करना है गाइस, हमको ये वाला बॉक्स लेना है, ठीक है, एंड ये लाइक लेने. इन दोनों का पीएनजी भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लेना. सो इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ठीक है. एंड जो लाइक है, लाइक वाला पीएनजी है गाइस, इसको हमको इसके नीचे लगाना है, ठीक है. देन हम ऐसे सेट कर देंगे, इसको हमको जो लाइक वाला पीएनजी है उसको इस बॉक्स के पीछे रखना है, ठीक है. एंड जो आपका इंस्टाग्राम के बॉक्स है, ठीक है, इसको हमको आगे रखना है. इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, पहले बता रहा हूँ, जो लाइक का पीएनजी उसको पीछे रखना है एंड जो बॉक्स है उसको आगे रखना है, ठीक है. देन यहाँ से डन कर देना, ठीक है. एंड ये इसकी क्या नाम है, इसकी पूछी आ गई, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, अब ऐड फोटो पे जाएंगे, जो हमने फोटो इरेज करी थी उस फोटो को, वो कहाँ गायब हो गया, फोटो आ गया. सो इस फोटो को हमको इसके ऊपर ऐड करना है ऐसे. सो गाइस, अभी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये हमारा एरिया ये वाला पीछे जो दिख रहा है इंस्टाग्राम का बॉक्स का, जो ये पूछती है, ये हमारे हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि निकल रखा है. सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका पीएनजी एक और बार ऐड करूँगा, ये वाला पीएनजी. एंड इसका मैं इसी वाला एरिया लूँगा जो साइड का दिख रहा है ना आपको, रस्सी क्या है पकड़ने का, मुझे पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ उसको, बट आप जो भी बोल लेना इसको, ठीक है. सो इसको लूँगा मैं, इसको पूरा इरेज कर लेता हूँ फालतू जितना भी है इसका. सो इसको लेके मैं इसके अपने हाथ में ऐसे लगा दूंगा, ठीक है. सो ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, आप भी करना है ऐसे ही, अगर आपके हाथ में नहीं आता तो. मेरे हाथ में नहीं आ रहा था तो मैं यही कर रहा हूँ. अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपेसिटी कम करूँगा एंड जो मेरे फिंगर के ऊपर एरिया आ रहा है उसको इरेज कर दूंगा ऐसे, ठीक है. एंड जो ओपेसिटी वापस से बढ़ा दूंगा एंड डन कर दूंगा. डन नहीं करूँगा, हल्का सा थोड़ा सा और इसमें जो होता है ना क्लियरिटी, करो. डन हो गया, डन कर दिया अपने आप हो गया. सो अब हम क्या करेंगे गाइस, जो भी हमारा पीएनजी वगैरह था सब लग चुका है, ठीक है. ये आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया एंड ये बक्सा इंस्टाग्राम का लेके घूम रहा हूँ मैं रोडों पे, ठीक है. इतने सारे लाइक लेके घूम रहा हूँ, अगर आपको लाइक चाहिए तो एक उठा के अपनी फोटो में चिपका लेना. सो अब हम क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना, एक जो उड़ते हुए लाइक है, हवा में उड़ रहे हैं लाइक, इनको लगा देंगे हम साइड साइड में,
ठीक है, जैसे कि हम चल रहे हैं हमारे लाइक इधर उधर उठ रहे हैं हवा में फालतू में ही पता नहीं क्यों। सो अब हम क्या करेंगे, डोटोल पे जाना, इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। सो लाइट रूम में हम थोड़ा सा बहुत इसमें जो क्लियरिटी वगैरह देती हैं, कलर ग्रेडिंग तो ज़्यादा हमें करनी नहीं क्योंकि इसमें कलर कुछ है नहीं फोटो के अंदर ज़्यादा। सो हम अपनी फोटो ऐड कर लेंगे इसमें पहले। सो गाइस लाइट रूम के अंदर मैंने मतलब लाइट रूम पावर के अंदर मैंने अपनी फोटो को ऐड कर लिया। अब इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल मस्त वाली। सो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, ठीक है, थोड़ा चमका लेंगे मतलब फोटो को बोले तो, एक्सपोजर को बढ़ाना था, कॉन्ट्रास्ट निकल गया मेरे मुँह से। सो कॉन्ट्रास्ट को अब बढ़ाएंगे हम, हाईलाइट को बढ़ाएंगे, शैडो को बढ़ाएंगे, ठीक है, याद रखना क्या क्या बढ़ाना है, वाइट को बढ़ाएंगे, ब्लैक को कम करेंगे, ठीक है, बहुत चीज़ बढ़ा ली हमने। अब नीचे चलते हैं, मिक्स पे जाएंगे, इस कलर को इसकी जो ह्यू है हल्का सा कम कर देंगे, डन कर देंगे, ठीक है। देन इसकी वाइब्रेंस को बढ़ाना है एंड जो सेचुरेशन है उसको कम रखना हमको ऐसे सिंपली। ओके गाइस, सो अब मैं जाना नीचे वाले टूल पे जाने के बाद मैं इसकी क्लियरिटी को बढ़ाना है फोटो की, जो विग्नेट है विग्नेट को कम, विग्नेट को रहने दो, विग्नेट को रहने दो यार, विग्नेट को मैंने कम किया तो कुछ और ही हो गया था यहाँ पे, ये फेस पे ना ब्लैक ब्लैक हो गया था। सो ये हमारा इतना तो मतलब पूरा ही हो गया। सो अब हमें करना है गाइस सिलेक्टिव टूल पे जाना, ठीक है, याद रखना सिलेक्टिव टूल पे जाना। ये सिलेक्टिव टूल आप पूछोगे आप हमारे हमारे लाइट रूम में तो आता ही नहीं है। सो आपके लाइट रूम में नहीं आएगा, मैंने लिंक दे रखा नीचे लाइट रूम मॉडेड का वर्जन, वो डाउनलोड करो जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें आता है, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इधर जाना प्लस पे क्लिक करना, देन लास्ट वाले पे जाना ग्रेडिएंट पे, देन इसको नीचे से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन इधर जाना, जो इसकी एक्सपोजर है इसको हमको ऐसे कम रखना है सिंपली, ठीक है, एंड यहाँ से डन कर देना, ठीक है। सो ये एक्सपोजर हमारा हो चुका है एंड नीचे से जो साइड होती है वो कम हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगी फोटो, ये रेडी हो जाओ बिफोर, ये मतलब ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं, बट जो क्लियरिटी है वो बढ़ गई होगी, देखिए फोटो की काफ़ी मस्त क्लियरिटी लग रही है। एंड एक चीज़ और यार, शार्पनेस कौन बढ़ाएगा, जो कि हम हमेशा करते हैं शार्पनेस को बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं कैसे आपको दिखाता हूँ फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। ये देखिए पहले कुछ तरह की फोटो थी पिक्सआर्ट के अंदर, लेकिन हमने लाइट रूम के अंदर इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी वगैरह को इंक्रीज किया। एंड कैसे देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटो की क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटी, पर हल्की हल्की फटी, क्योंकि फोटो तो साइज जनक है, जो काफ़ी बड़ा साइज आपको दिख रहा होगा। सो यार ये कॉन्सेप्ट कसम से काफ़ी मस्त कॉन्सेप्ट है। सो जल्दी जल्दी जाओ इस तरह की एडिटिंग करो, एडिटिंग करने से पहले क्या करना मुझे बता दो, मुझे अपनी फोटो सेव करनी है। तो जल्दी जल्दी जाओ इस तरह की फोटो एडिटिंग करो। एंड गाइस कमेंट करके बताओ अगर आपके मन में कुछ आइडिया फोटो एडिटिंग का, या कुछ आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सो कमेंट करते जाओ, मैं देखता जाऊंगा, कमेंट करते जाना, ठीक है। सो कमेंट करो एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड जल्दी जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पर एडिट करो, एडिट करने के बाद मुझे टैग जरूर करना, मेरे यूजर नेम आप सबको पता ही है। सो जल्दी जल्दी जाओ एडिट करो। सो अब चलिए चलते हैं, मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मौज करो, लव यू ऑल, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।